friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Mosjibur Rahman Creations. So in this video we are going to talk about how to write a report. What is report writing? What are the requirements of report writing? What are the types of report writing? So I shall speak in three languages: English, Assamese and Hindi. तो बंधुসকল एटो भिडियोते मैं आलोचना करिम रिपोर्ट राइटिंग की है HSLC, HSOT बा विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जामत रिपोर्ट राइटिंग की दरे लिखिब लगे यार मार्कटो केनेका है मैं आजि क्वेश्चन और आंसर सह यार विषय भाल दरे आमी डिटेल्सत आलोचना करिम। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग हम रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, और जो एग्ज़ाम है HS या फिर HSLC तो इस टाइप का जो एग्ज़ाम में किस टाइप का रिपोर्ट हमें लिखना पड़ता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं हेडलाइन है रिपोर्ट राइटिंग फॉर HSLC, HS 2020 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है कि वाई रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग मीन्स आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, थोड़ा डिटेल्स दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी उसको आप डिटेल्स में लिखना पड़ता है। अपना किसुमान इनफरमेशन दिया हो यार ऊपर भित्ति करे कि आपने डिटेल्स लिखिब लगे याक आम रिपोर्ट राइटिंग बोली कौ। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखिब हमें आमक की रिक्वायरमेंट्स लगे। अगर हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन सा एलिमेंट्स हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट राइटिंग का वो होता है नंबर वन जो है हेडलाइंस। रिपोर्ट राइटिंग हमें लिखिब गले, हम जब रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है हेडलाइंस चाहिए। नेक्स्ट ऐसा नंबर टू चाहिए हमें सिंपल लैंग्वेज। नंबर थ्री डेट टाइम एंड प्लेस। सो फ्रेंड्स हम अगर एक रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो हमें तीन चीज़ ज़रूरी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडलाइन, नेक्स्ट जो है सिंपल लैंग्वेज और तीसरा डेट टाइम एंड प्लेस। हमें रिपोर्ट लिखिब हमें ये तीनटा वस्तु हमारे जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं और रिपोर्ट राइटिंग का जो टाइप्स है वो क्या क्या है, आपका टॉपिक्स कौन सा आता है एग्जाम में। तो बंधुসকল आमार HS सेकेंड इयर और मेट्रिकत HSLC आसामत जिकटा क्वेश्चन आए आम आज आलोचना करिम और परीक्षा अहाँकेट आलोचना करिम और लगते 2020 2020 कारण कि क्वेश्चन लगे मैं इम्पर्टेन्ट कटा एकदम क्वेश्चन प्लस एन्सार सह आज आलोचना करिम। तो फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं विथ क्वेश्चन एंड एंसर्स मैं आज यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बंधुসকল प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल तो मैं वीडियो स्टार्ट कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट राइटिंग फॉर HSLC एंड HS 2020 मेन टॉपिक्स जो है मेन टॉपिक्स केटा है रिपोर्ट ऑन ए रोड एक्सीडेंट, नेक्स्ट फायर एक्सीडेंट, नेक्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट, नेक्स्ट बैंक रॉबरी, नेक्स्ट books here. Next. तो फ्रेंड्स एक हल मेन टॉपिक जेकेटा ऊपर रिपोर्ट राइटिंग और क्वेश्चंस आबो पारे। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस HSLC या फिर HS एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। यह है मेन टॉपिक्स, देख लीजिए। रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, बुक फेयर, सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन ऑफ क्लीनलीनेस वीक, सेलिब्रेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक। तो फ्रेंड्स एक हल मेन टॉपिक आम यार ऊपर अपनी रिपोर्ट तो लिख के रिपोर्टर क्वेश्चंस तो क्या है। ये जो टॉपिक है इनमें से आप रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं और इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आप लोगों को लिख के बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यह है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक्स, रिपोर्ट राइटिंग और जो टॉपिक एक से HSLC रिपोर्ट राइटिंग टोटल है 5 मार्क्स और HS टोटल 10 मार्क्स। HSLC में टोटल 5 और HS में टोटल 10 मार्क्स का आता है। यह है मेन टॉपिक्स। नाउ वी शैल मूव टू द क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस आता है और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन रोड एक्सीडेंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSLC एंड HS 2019-20। रोड एक्सीडेंट You are an eyewitness to a road accident in which a school-going boy was killed and many passengers were injured. Write a report on the accident to be published in your Manoj or Aisha. Total marks 10. So friends, मैं इधर क्वेश्चन याद लिखीशो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इधर, यू आर एन आई विटनेस टू ए रोड एक्सीडेंट इन विच ए स्कूल गोइंग बॉय वाज किल्ड एंड मेनी पैसेंजर्स वेर इंजर्ड। राइट अ रिपोर्ट ऑन द एक्सीडेंट टू बी पब्लिश्ड इन द असम ट्रिब्यून in 100 to 125 वर्ड्स। यू आर मनोज और आयशा। आप है कि एक रोड एक्सीडेंट आपने देखा है, यू आर आई विटनेस, आपने आंखों से देखा है रोड एक्सीडेंट, आपके आंखों के सामने हुआ है एक्सीडेंट, जिसमें एक स्टूडेंट के एक जो स्टूडेंट है स्कूल जाने वाला लड़का, उसका मौत हुआ और बहुत सारा पैसेंजर्स इंजर्ड हुआ, हार्ट हुआ। तो ये जो आपको ये आप जो फैक्ट आपके सामने जो एक्सीडेंट आपने देखा, इसके ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखिए। यह रिपोर्ट पब्लिश होगा द असम ट्रिब्यून नाम के जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। ऐसे आप एक रिपोर्ट लिखिए। मार्क्स है 10, 100 to 125 वर्ड्स, इट्स द वर्ड लिमिट। तो फ्रेंड्स अपनी एटा रोड एक्सीडेंटर प्रत्येक दोषी निजा चौकरे अपनी एक्सीडेंट देखा पासी, जीटू एक्सीडेंटत स्कूल जा लड़ाटार मृत्यु है और बहुत जी पेसेंजार आत्री आसे, तो यात्रीगढ़ कि गुरुतर भाव आघात प्राप्त होसे। अपनी जी घटना प्रत्यक्ष करें घटनार ऊपर अपनी एट रिपोर्ट राइटिंग लिख लगे, एट रिपोर्ट लिख लगे। सही रिपोर्ट तो पब्लिश हम दि आसाम ट्रिब्यून नाम न्यूज़पेपर। आपनक वर्ड लिमिट दिया 100 to 125 वर्ड्स। तो बंधुसक मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन, आप लोग सब पारे एडल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो एन्सार के मैं इतना देखा दी आसो। ये जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर करके। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। यह है क्वेश्चन, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। आंसर रोड एक्सिडेंटर ऊपर क्वेश्चन आइसिल, यार एन्सार तो आम इतना लिखीम। एन्सार आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कलम और वस्तु रेखे गए। सो फ्रेंड्स हमें यार आंसर तो लिखे मैं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द हेडलाइंस। हेडलाइंस तो अपने कहने के देव, आप हेडलाइंस कैसे देंगे? रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, तो एक का मौत हुआ और बहुत सारा इंजर हुआ, एजन मरीसे और बहुत कई आघात प्राप्त होसे। यार अपनी जी हेडलाइन्स तो देव एने के सीरियस रोड एक्सीडेंट, ए सीरियस रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट reporter the Assam Tribune Guwahati around 16th November 2018। यह है स्टार्टिंग, ये से भिडिओर आम स्टार्टिंग रोड एक्सिडेंटर आम ये हल स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग करिलो। फार्ष्ट हेडलाइन्स ए सीरियस रोड एक्सिडेंट। नेक्स्ट स्टाफ रिपोर्टर दि आसाम ट्रिब्यून गुवाहाटी अरुण, ये नाम एट मानुर नाम 6 November 2018। इतना स्टार्ट करम मेनखिनि सीरियस रोड एक्सीडेंट। टुक place at Zalukari on 15th November 2018. For the accident, a school-going boy was killed and many passengers injured. Here I am starting. Staff reporter, the Assam Tribune, Guwahati, on 16 November 2018. A serious road accident took place at Zalukari on 15 November 2018. For the accident, a school-going boy was killed and many passengers were injured. Zalukari, 16 November, at a road accident, which is serious road accident. आरो ये एक्सीडेंट और फलत की है एजन स्कूल में जो लड़ा एजन मरीसे और बहुत पैसेंजर यात्री इंजर्ड हुए। ये हो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज होगा, अपना पैराग्राफ टू चेंज होगा। मैं इंसर्ट टेबल लिखी सो एखिनि गल वाज इंजर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ the accident took place between a school bus and a passenger bus. In early morning, the school bus coming from Khanapara to Azara and the passenger bus was going to Khanapara from Shaygaon. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्राइब किया कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बदौलत क्या हुआ, एक स्टूडेंट की मौत हुआ और बाकी सारा जो आपका पैसेंजर था वो इंजर्ड हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्सीडेंट को होल किने हम डिस्क्राइब करें। सो द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन ए स्कूल बस एंड ए पैसेंजर बस। इन अर्ली मॉर्निंग द स्कूल बस वॉज कमिंग फ्रॉम खानापारा टू अजारा and the passenger bus was going to Khanapara from Shaygaon on the other side. Next शुरू करते हैं। The driver of the passenger bus lost its control. It broke the divider and hit the school bus. ये देखिए, The driver of the passenger bus lost its control. It broke the divider and hit the school bus. So एक्सीडेंट हुआ कैसे? खानापारा से एक बस जालुकबारी की तरफ आ रहा था स्कूल बस, और शायगांव से खानापारा तक एक बस जा रहा था। तो जो पैसेंजर बस जो जा रहा था शायगांव से खानापारा तक, तो पैसेंजर बस का जो ड्राइवर है, की क्या किया था उसने, तो स्कूल बस जो है वो सीधा हिट कर दिया, वो अपना कंट्रोल खो बैठा, स्कूल बस को हिट कर दिया डिवाइडर तोड़ के। नेक्स्ट क्या हुआ? There was a hue and cry situation in the accident place. After the incident, someone called the nearest police station. They arrived, sent the dead bodies हॉस्पिटल। तो आफ्टर द एक्सीडेंट क्या हुआ? वो जो जगह था, आफ्टर द देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई सिचुएशन इन द एक्सीडेंट प्लेस आफ्टर द इंसिडेंट। समवन कॉल्ड द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दे अराइव्ड एंड सेंट द डेड बॉडीज एंड इंजर्ड पर्सन्स टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंटर পিছত সেই ঠাইখনত এটা চিঞৰ বাখৰৰ সৃষ্টি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। एजने पुलिस फोन कर डेड बॉडीज और इंजर्ड पर्सन क्या कि मेडिकल पठिया दी। नेक्स्ट आएगा तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा रोड एक्सीडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट कंप्लीट हुआ 10 मार्क्स के लिए। हमार रोड एक्सीडेंटर ऊपर 10 मार्क्स और एटा कंप्लीट हल। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीडेंट का या फिर रिपोर्ट राइटिंग का जो भी क्वेश्चंस है वो कैसे आ सकता है। मैं इतना रिपोर्ट राइटिंग की क्वेश्चन आगे पड़े 2020 HS सेकेंड इयर और HSLC आमार मेट्रिक परीक्षा। आज मैं यार इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन से कै जाम। नंबर 1, यू आर एन आई विटनेस टू ए रोड एक्सीडेंट इन व्हिच ए स्कूल गोइंग बॉय वाज किल्ड and many passengers were injured. As a press reporter of the Assam Tribune, write a report about the accident in 100 to 125 words. Next question I have. You have witnessed a train accident where Delhi-bound Guwahati Express derailed. Write a report in 100-125 words to be published in an English daily of Guwahati. You are Orunora Anima. Question number 2. Next question number 3. Write a report on a road accident giving an imaginary details of the serious accident and the immediate steps taken by the authorities concerned towards medical relief to the victims. Word limit hai 100 to 125. Next question. Your school or college has recently celebrated Cleanliness Week, organizing a number of programs and competitions. Write a report about it in about 125 words to be published in a local newspaper. Next, you are Manas or Rita. As a special correspondent of a local daily, you are sent to cover the inauguration of a book fair where national and regional publishers and agencies have put up their stalls. Write a report in about 125 words for publication in a local daily. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 रिपोर्ट रेटिंग इम्पोर्टेंट जो था बताया. नेक्स्ट रिपोर्ट रेटिंग आ सकता है. नेक्स्ट रिपोर्ट रेटिंग आगे पड़े ऑन ए सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, फायर एक्सीडेंट और बैंक रॉबरी. तो फ्रेंड्स मैं जीके क्वेश्चन आपको दिल रिपोर्ट रेटिंग पड़ा. यार बाहर मैं ग्यारंटी दी आसो एटा क्वेश्चन यार बाहर नाहे. रिपोर्ट रेटिंग HSLC प्लस HS सेकेंड इयर यार बाहरे कोनो क्वेश्चन आपने ना पाबो. मैं जीकेटा आलोचना करिलो एकटार पराई क्वेश्चन एटा ना एटा दिबई. आपने 10 मार्क्स अथवा HSLC 5 मार्क्स आपने पाई जाबो. तो प्लीज भिडियो आपने भालके चाओ. मैं जे आंसर लिखी दिलो आंसर आपने निजे लिखी लक चाई चाई नाइबा भिडियो एकदम डाउनलोड कर लक. भिडियो आपने शेयर करक, लाइक करक, किबा बुझि ना पाले कमेंट करक. एखन मोर नम्बर भाई, दिस इज माय नम्बर 9383295885. आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो. मैं व्हाट्सएप करो पर कॉल करो. प्लीज मोर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हेल्प मी टू ग्रो. और यार पिछले जिखने वीडियो लगे जो कोई भी वीडियो आपको चाहिए मैं आज के बाद दूंगा. मैं ऐसे एपिसोड दी थी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और मैं जीखे दी ये भल्के पढ़क. और HS सेकेंड इयर 2012 पर अपनी 18 लग जीकेट आल भल्के पढ़क हो जाब अपना आराम से. तो रिपोर्ट राइटिंग की है और के लिख लगे यार क्वेश्चन और एन्सार खिनी और इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन खिनी आज भिडिओत मैं आलोचना करूँ अपना. तो प्लीज ये अपनी बस्तु अपना फ्रेंडक शेयर करक, फॉरवर्ड करक प्लीज फ्रेंड. ओके, गुड नाइट. Thank you for watching the video. Keep watching. Please subscribe and help me to grow.